हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला के अंदर। और आप ध्यान दीजिए बेटा कि आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी फॉर सीड फ्रूट और प्लांट फैमिलीज के जो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे, और ये आपका मॉर्फोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा। जस्ट बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे प्लांट। बिल्कुल। अब तक हम लोगों ने जो फ्लावर तक की बात कर ली है, अब आज हम लोग फ्लावर के बाद में सीड फ्रूट और फैमिलीज की बात करेंगे। क्लियर? बिल्कुल। फिर आप जानते हैं कि नेक्स्ट अपन प्लांट एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, हायर प्लांट है, उच्च पादप है, सबसे विकसित पादप है, उनके आंतरिक संगठन का और टिश्यूज का अपन आगे स्टडी करेंगे। बिल्कुल। और अभी अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना और जो फिजिकल फॉर्म है, उनका भौतिक स्वरूप है, उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने रूट, स्टेम, लीफ जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, फिर आप जानते हैं लीफ मैच्योर हो जाती है, प्लांट मैच्योरेशन पे आ जाता है, तो उसके पश्चात आप जानते हैं कि फ्लावरिंग होती है, और फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर के पार्ट्स, उन सब का अपन अध्ययन कर चुके हैं। और अब जो है कि सीड फ्रूट, जो आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सीड फ्रूट, और उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि अपन फैमिलीज के कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज है। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीड इज बीज है। बिल्कुल। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइज एम्ब्रियो है, या फर्टिलाइज ओवरी है, फर्टिलाइज फ्रूट है, या फर्टिलाइज ओव्यूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यहाँ सर ने बिल्कुल रिप्रेजेंट किया ओव्यूल का डायग्राम। बिल्कुल। आप समझ सकते हो कि ये ओव्यूल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स आपकी होती हैं, इंटेग्यूमेंट जो अध्यावरण होते हैं, दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट जो बाद में टेस्टा बनेगा। बिल्कुल। और इनर इंटेग्यूमेंट जो टेग्यूमेंट बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे सीड कोट फॉर्म करते हैं बाद में, जब फर्टिलाइजेशन के बाद की बात है, आप समझ रहे हैं कि ओव्यूल का आपने डायग्राम बनाया, ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है, पेरेन्काइमा, न्यूसेलस से आप जानते हैं सेल डिफरेंशिएट होती है, मेगास्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस होता है, मेगास्पोर, और मेगास्पोर, मेगास्पोर से यहाँ पे डेवलप आपका होता है एम्ब्रियो सैक। बिल्कुल। चार मेगास्पोर बनते हैं जिनमें से तीन जो चैलेंजर एंड क्योर, यहाँ माइक्रोपैलर एंड क्योर, ये एग सेल है, और एग सेल के साथ ये दो सिनर्जिड है, दो साई कोशिकाएं, लार्ज साइज यहाँ पर एक सेल की होती है। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि सिनर्जिड और एग सेल, एग एपेटस, अंड उपकरण हो गया। बिल्कुल। ये थ्री एंटीपोडल सेल हो गई, और ये आप जानते हैं कि सेंट्रल सेल आपकी हो जाती है, सेंट्रल सेल जिसमें दो निकली है। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को ये यहाँ जो भी फिलीफॉर्म एपेटस होते हैं, तो ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब यहाँ एक डीजनरेटेड यानी अपहासित होती हुई, नष्ट होती हुई साइकोशिका के अंदर अपने जो भी पदार्थ है वो विमुक्त करती है, रिलीज करती है मटेरियल को, रिलीज करती है, तो पोलन ट्यूब से जस्ट एक मेल गैमेट, जो एक मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट हैप्लोइड है, तो वो आप जानते हैं कि एग सेल से फ्यूज होता है। बिल्कुल। एग सेल से फ्यूज होता है, और एग सेल, ये मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया। बिल्कुल। तो जो ट्रू सिनगेमी होती है, सिनगेमी इट मीन ट्रू फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल। जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो आप जानते हैं डिप्लोइड सेल बनेगी क्या, जायगोट। बिल्कुल। तो ये तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट थे, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ में फ्यूज हो गया, ट्रू सिनगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, तो जायगोट हो गया। बिल्कुल। फिर आप जानते हैं कि जो सेकंड मेल गैमेट होता है ना, तो वो जो पोलर न्यूक्लियाई है, बिल्कुल, एन प्लस एन, तो एन प्लस एन पोलर न्यूक्लियाई पर डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, निर्धारक के अंदर 2n, और एक मेल गैमेट हो गया, लेकिन ये तो पोलर न्यूक्लियाई है। बिल्कुल। तो ये आपका ट्रिप्लोइड 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिपल फ्यूजन है। एक मेल गैमेट इस पोलर सेल के साथ में फ्यूज होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन न्यूक्लियस है। यस। तो आप जानते हैं कि सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजर, जो एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है, और अर्थ पे केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब जो रिजल्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, सिनगेमी का रिजल्ट क्या है, जायगोट, जायगोट, और यहाँ अपने पास पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। बिल्कुल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म कर लेगा। बिल्कुल। और जायगोट किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। जब जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो फिर आप जानते हैं जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, यानी जो निषेचित बीजांड है वो बीज में बदलता है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप कह सकते हो सीड में बदल जाती है। बिल्कुल। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में बदल गया। बिल्कुल। है ना? और आप जानते हैं कि जायगोट एम्ब्रियो में, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में, और जो इंटेगमेंट्स है वो सीड कोट में, टेस्टा टेगमेंट, टेस्टा टेगमेंट, और ओवरी जब होती है
ओवरी बोल वो पेरिकार्प में, बिल्कुल। तो फर्टिलाइज ओव्यूल आप, फर्टिलाइज ओवरी आपकी क्या होगी, फ्रूट होगी, फ्रूट होगी, क्या होगी, फ्रूट। अब मैं आपको बात कर देता हूँ, एक बात अपन यहाँ बता सकते हैं इस माइक्रोपाइल की। हाँ, माइक्रोपाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सेल, बिल्कुल। और ये माइक्रोपाइल जो है सीड के अंदर भी होगा, वहां पर इसका फंक्शन हो जाएगा गैस एक्सचेंज करना, इनवर्टर को एब्जॉर्ब करना, तो सारी बात आ जाएगी। अब देखिएगा अपन सीड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर सीड में क्या क्या घटक आपके होते हैं, बिल्कुल। देखिएगा सीड, सीड क्या होगा बेटा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, सीड, तो ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो गए, बिल्कुल। अब सीड में देखो क्या पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं सीड कोट, बिल्कुल। तो सीड कोट तो आप जानते हैं कि जो इंटिगुमेंट से डेवलप हुए हैं, आउटर इंटिगुमेंट से डेवलप हुए हैं, आउटर आप समझ सकते हो कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्ब्रियो, बिल्कुल, एम्ब्रियो, क्लियर। अब एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो जायगोट से डेवलप हुआ, एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, तो एम्ब्रियो में आपके पार्ट होते हैं एम्ब्रियो एक्सिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि न्यू प्लांट को या न्यू सीडलिंग को ये जनरेट करता है एम्ब्रियो एक्सिस, बिल्कुल। और एम्ब्रियो एक्सिस में आप जानते हो ना क्या होता है, प्लूम्यूल, रेडिकल, प्लूम्यूल है और रेडिकल है, ऊपर वाला पार्ट हो गया प्लूम्यूल, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे हो गया रेडिकल। अभी प्लूम्यूल तो जानते हो, रेडिकल तो जानते हो, प्राइमरी रूट को इनिशिएट करता है, प्लूम्यूल शूट को इनिशिएट करता है, और एम्ब्रियो एक्सिस हो गया, फिर आपकी बात करते हो कोटिलीडन, कोटिलीडन, कोटिलीडन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते, दो भी हो सकते हैं, लेकिन ये हर टाइप की सीड, चाहे मोनोकोट हो चाहे डायकोट हो, आइदर मोनोकोट हो डायकोट, एम्ब्रियो एक्सिस सब में प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो एक्सिस का मतलब प्लूम्यूल रेडिकल हर सीड में होगा, हर सीड में आपका कोटिलीडन जो है वो मोनोकोट में एक होगा, डायकोट में दो हो जाएगा। यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर दी, आपका क्वेश्चन इतना सा था सीड क्या है, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्लैंड इज कॉल्ड, तो बेसिकली जो यहाँ पर मेज ग्लैंड है मतलब मोनोकोट, यहाँ पे सीड की बात चल रही है, तो इसका जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म जिस लेयर से कवर होगा उस लेयर का नाम यहाँ पे होता है एलियन लेयर, जो कि थ्रीएन होता है, एलियन पाई जाती है, बिल्कुल। और एलियन की भी जो प्लॉडी होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है, थ्रीएन, बिल्कुल, एंडोस्पर्म के कंसिडर इसको माना जाता है, बिल्कुल, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि एलियन लेयर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाइकोटिलीडन सीड इज सिमिलर टू मोनोकोट सीड इन प्रेजेंस ऑफ स्कुटेलम, नहीं, स्कुटेलम जो है वो मोनोकोट में होगा, डाइकोट में नहीं होगा। प्लूम्यूल, बिल्कुल, अपने बात की थी कि प्लूम्यूल रेडिकल या फिर जो एम्ब्रियो एक्सिस है वो मोनोकोट सीड और जो डाइकोट सीड है दोनों के अंदर पाए जाते हैं। भाई आप देखो सीड स्ट्रक्चर देखोगे तो सीड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने क्या बताया अभी, एम्ब्रियो, बिल्कुल। और एम्ब्रियो में अपने बात की एम्ब्रियो एक्सिस की, बिल्कुल। देखो अपन ने अभी सीड के अंदर सीड कोट की बात की थी, भाई सीड में सीड कोट भी होते हैं। अब देखो डा कि सीड कोट है ना, डाइकोट में जैसे टेस्टा टैगमेन, भाई सीड कोट दो भी हो सकते हैं, दो ही होते हैं जनरली, टेस्टा टैगमेन, लेकिन कहीं कहीं सीड कोट एक भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन आप समझो एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो में एम्ब्रियो एक्सिस भ्रूणीय अक्ष, बिल्कुल, है ना, और ये कोटिलीडन, अब तुम समझ सकते हो कि कोटिलीडन है ना एक हो सकता मोनोकोट में, उसको स्कुटेलम कहते हो, डाइकोट में दो हो सकते हैं, लेकिन एम्ब्रियो एक्सिस यूनिवर्सली एवरी टाइप के सीड में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल। यानी आप जानते हो मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, यानी ये एम्ब्रियो एक्सिस होगा होगा, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल, अपर पार्ट इज प्लूम्यूल एंड द लोअर पार्ट इज रेडिकल, हां प्लूम्यूल और रेडिकल। अब देखो हाइपोकोटिल एपिकोटिल रीजन डाइकोट में होता है और मोनोकोट में कोलेप्टाइल जो प्लूम्यूल को कवर करता है, कोल्यूराइजा रेडिकल को कवर करता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्लूम्यूल रेडिकल इस टाइप के एवरी टाइप के सीड में प्रेजेंट होगा, यानी यूनिवर्सल है भ्रूणीय अक्ष, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, प्लूम्यूल, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड आउट द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी एंड डी इन गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में ए बी सी डी की सही पहचान करनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पे सीड का है, ये यहाँ पे बेसिकली एंडोस्पर्म है, हालांकि यहाँ पे एंडोस्पर्म को क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया गया, ये यहाँ पर जो वो हो गया प्लूम्यूल और ये यहाँ पे क्या हो गया रेडिकल। प्लूम्यूल कवर किससे होती है, कोलियोप्टाइल से, और जो रेडिकल है वो कवर किससे होती है, कोलियोपोरेटाइल से। और ये आप समझ सकते हो कि इसका जो मेन मोनोकोट का स्कुटेलम जो ढाल होती है, जैसे गेहूं के सीड को आप देखते हो, व्हीट के सीड को आप देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि देखो ये जो खोखली मतलब होलो सिलेंड्रिकल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कवर करती है, खोखली प्रणी समान संरचना यहाँ की होती है,
और ये यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये किसको कवर करती है, प्लिमूल, प्लिमूल को। तो ये आपकी होती है कोलोप्टाइल, प्लिमूल की जो कवरिंग है उसको कोलोप्टाइल कहते हैं, कोलोप्टाइल कहते हैं, जिसे वो होता ना जई का कोलोप्टाइल है ना, बिल्कुल एवेनासेटाइना ऑक्सिनार्गोन। हाँ तो आप जानते हैं कि कोलोप्टाइल आपका हो गया, यहाँ आपका रेडिकल होता है तो ये आपका होता है कोलियोराइजा, बिल्कुल कोलियोराइजा। तो देखिएगा कि ये कोलोप्टाइल है और यहाँ पर बात रही कोलियोराइजा है और ये रेडिकल है, ये प्लिम्यूल है, ये एम्ब्रियो एक्सिस की बात होगी, क्लियर। और ये स्कूटेलम जो आप समझ सकते हो, मोनोकोट में एक ही कोटलेडन है जो स्कूटेलम, दूसरा अवशेष ही है, एपिब्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि ये स्कूटेलम है, ये स्कूटेलम है और यहाँ बात करते हैं कि ये इस फॉर्म में ये जो है ये प्लिम्यूल है, बिल्कुल प्लिम्यूल है, मतलब कोलोप्टाइल है, फिर आप जानते हैं कि प्लिम्यूल है, बिल्कुल। और ये रेडिकल, ये कोलोराइजा है और यहाँ आप जानते हैं एपिब्लास्ट होता है, जो दूसरा इसका कोटलेडन वो हासित हो जाता है एपिब्लास्ट, रिड्यूस्ड, क्लियर। तो अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग आपका जो है ए, तो ए में आपका कोलोप्टाइल यहाँ है, बी बी आपका प्लिम्यूल है, सी सी यहाँ का रेडिकल है और डी आपका क्या है, कोलोराइजा। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड होता है और बहुत अच्छा आपका डायग्राम आपको काफी बातें बताता है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल देखो बच्चों, हमने जो एक जैसे क्वेश्चंस है उनकी पूरी थ्योरी तैयार करने के लिए सारे क्वेश्चन साथ साथ लिए हैं। स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गिवन फिगर, डी इज ए ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो साहब यहाँ पर जो डी है वो क्या हो गया, अपन कह सकते हैं एनुलर लेयर है, यहाँ पर ट्रिप्लोइड होती है, बिल्कुल। बी इज रिप्रेजेंट वन लार्ज कोटिलिडन कॉल्ड स्कूटेलम, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंदर जो बी है वो स्कूटेलम है, स्कूटेलम ही। सी इज रिप्रेजेंट कोलोप्टाइल ऑफ सीड, और ये ट्रिप्लोइड नहीं हो सकता। हाँ ये कोलोप्टाइल नहीं है, पहली बात तो कोलियोराइजा है और दूसरी बात अपन कह सकते हैं साहब ये ट्रिप्लोइड पॉसिबल नहीं है। हाँ। ये टूवन होता है भाई, एंडोस्पर्म के अलावा कोई भी होगा ना, रेडिकल है, प्लिम्यूल है या एम्ब्रियोजाइगोट की कोई भी सेल है तो डिप्लोइड है, डिप्लोइड है ना, बिल्कुल। और ए रिप्रेजेंट रिजर्व फूड ऑफ सीड, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे एंडोस्पर्म है तो रिजर्व फूड होगा, ये जो बल्क की बहुत ही ज्यादा संयत होता है, स्टार्ची होता है, ज्यादा आप जानते हैं कि फूड स्टोरेज है, क्योंकि डाइकोट में कोटलेडोन में स्टोरेज होता है, यहाँ एंडोस्पर्म में स्टोरेज आपका है। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड आपका हो गया, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे सच्चा है और ये रॉन्ग है, तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड इसका, बिल्कुल, क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ऑफ मेज, तो वही मोनोकोट प्लांट हो गया, सर्टेन रीजंस आर लेबल्ड एबीसीडी, मैच देम विद द कोड 1234 गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहां पर ए है, बात है द मेन मैन न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा एंडोस्पर्म, करेक्ट है। सीड सेप्ड कोटलेडन, वही ढालनुमा जो बीच में था स्कूटेलम उसके लिए आया, तो करेक्ट है। और प्रोटीन प्रोटेक्शन सी तो रेडिकल, तो रेडिकल क्या भी प्रोटेक्शन सी था कोलियोराइजा, बिल्कुल रेडिकल कोलियोराइजा, कोलियोराइजा है यस। और द प्रोटीनियस लेयर एलियोन लेयर, तो एलियोन आपकी लेयर है, इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन में आंसर बना देते हैं, क्लियर। तो इसमें आप देखिएगा भाई ए जो है ये यहां पे हो गया एलियोन लेयर, हां हां, तो ए में हो गया अपने पास में 4, हां डी 4 हो गया, हां तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ए में 4 हो गया। बी यहां पे है अपने पास में स्कूटेलम, तो क्या हो गया शील्ड शेप कोटलेडन, बी नहीं हो गया। सी यहां पे है और आंसर हो गया, क्योंकि बाकी के सारे है ना, मैच हो गया, 4 आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। Given figure बिल्कुल represents longitudinal section of a monocotyledonous embryo. Identify the parts labeled as ABCD from this list 1 to 6 and select the correct option. दिया गया चित्र एक बीजपत्री भ्रूण की अनुदैर्ध्य कार्ड को प्रदर्शित करता है, एबीसीडी अंकित भागों को पहचानो। तो सारा सारे पार्ट अपने आपको बता दिए, यहाँ जो डी है वो स्कूटेलम है, बिल्कुल ये आपका कोलोप्टाइल है और ये आपका जो कोलियोराइजा है, बिल्कुल। फिर आपका आप समझ रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये कोलियोराइजा हो गया, सारी बातें आपके सामने हो चुकी हैं, क्लियर। तो इसको आप मैच कर लें, बिल्कुल। तो ए यहाँ पर जो है ये ए यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया बेसिकली कोलियोप्टाइल, तो ए में आ गया सेकंड। फिर बी यहाँ पर जो है वो हो गया कोलियोराइजा, तो 7 आप 7 आ गया, थर्ड सेकंड आंसर आपका हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखो, हाँ ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन सीड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो निम्न संरचनाएं बीजों में उपस्थित होती है, सही विकल्प आपको चयन करना है। तो देखिए बेटा, पहले ये आप देख लीजिएगा कि यहाँ आपको दे रखा है ग्राम सीड चने का बीज, और यहाँ दे रखा है मैच सीड मक्के का बीज, तो ये डाइकोट है और ये यहाँ पे मोनोकोट है, वो मोनोकोट है, बिल्कुल। अब अपन ने कहा था कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डाइकोट में लेकिन मोनोकोट में नहीं है, कुछ मोनोकोट में लेकिन डाइकोट में नहीं है,
अपन एक बात कही थी कि जो एम्ब्रियो एक्सिस है, एम्ब्रियो एक्सिस का मीन भ्रूणी अक्ष, तो भ्रूणी अक्ष का मीन ये हो गया कि प्लीम्यूल और रेडिकल, वो दोनों में हमेशा कॉमन रहते हैं। हाँ, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लीम्यूल और क्या रेडिकल, बिल्कुल। अब देखो आराम से आ जाइए, बिल्कुल। एल्यूरॉन लेयर जो होता है बेटा, एंडोस्पर्म क्या डायकोट में कंज्यूम हो जाता है, बिल्कुल। और वैसे भी एल्यूरॉन लेयर केवल मेज सीड में होती है आपकी, तो ए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ए इसका हो जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, वहां लिख दीजिए आप, ए आ गया। रेडिकल, अब रेडिकल अपन जो सी है दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे उधर भी लिखेंगे। और स्कूटलम, स्कूटलम आप जानते हो कि मोनोकोट का सीड कोटलेडोन है, स्कूटलम जो आप जानते हो कि अभी आपके सामने आया था मोनोकोट में हो गया। प्लीम्यूल दोनों में लिख देते हैं, जो जी है, बिल्कुल क्लियर। तो आप समझ सकते हैं बेटा, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि ये आपके बच गए। तो बी देखो आपका कोलिप्टाइल है, ये मोनोकोट में होता है, टू कोटलेडोन ये डायकोट में होता है, तो ये आपका डी यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। और एंडोस्पर्म केवल किस में होता है, मोनोकोट, बिल्कुल। तो देखिएगा कि यहाँ आपका हो गया ना सी डी जी, अपने सी जी डी लिख दिया, बाकी सी डी हाँ। ये आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल। और यहाँ पर आपके साथ सी ई एफ जी, ई एफ जी, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, कौन से बोलता है, हाँ आराम से आप निकालिए। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, स्टेम ऑफ प्लांट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, रीजन ऑफ जर्मिनेटिंग सीड फ्रॉम अंकुरित बीजों के भ्रूण के किस भाग से पौधे का तना बनता है, तो अपने को पता है कि जो सकते हैं प्लीम्यूल से बनता है। हाँ, अब यहाँ ऑप्शन में नहीं है, कोटलेडोन दे रखा है, रेडिकल दे रखा है, एपिब्लास्ट, जर्मिनेटिंग सीड का ये स्टेम के कैरेक्टर में लिख रखा है, जर्मिनेटिंग सीड के प्लीम्यूल से डेवलप होता है सूट, जो असेंडिंग पोर्शन है, बिल्कुल प्लांट एक्सिस का जो आरोही भाग है, असेंडिंग पोर्शन है, वो डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, प्रांकुर से विकसित होता है। और जब वो इनिशियली यंग होता है तो ग्रीन इन कलर, हरा होता है, और जैसे ही वो मैच्योरेशन पे जाता है तो वुडी या ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाता है, कास्टी हो जाता है। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, बीज पत्र कुछ बनाएगा नहीं, ये तो स्टोरेज करता है। एपिब्लास्ट आप जानते हो मोनोकोट की स्ट्रक्चर है, रेडिकल आप जानते हो कि रूट को इनिशिएट करेगा, तो नन आपका आंसर कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हाइलम इज नाभिका, हाइलम है, is absent in monocot seed, नहीं monocot के अंदर पाई जाती है, is a scare on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि seed का वो part जो fruit से जुड़ा है उसे हम लोग hilum बोलते हैं। इसी बात है कि जैसे ही आपका ovule होता है, clear, बिल्कुल। और ovule जो भी है तो यहाँ ovule ये placenta है, placenta से finical है, और finical और जो ovule की main body है, finical और ओव्यूल की जो मेन बॉडी है उसका जो जंक्शन पॉइंट होता है फिनिकल और ओव्यूल की मेन बॉडी का, दैट इज हाइलम, दैट इज हाइलम, द जंक्शन पॉइंट बिटवीन आपका फिनिकल मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फिनिकल, फिनिकल फिनिकल बीजांड ग्रंथ होता है और बीजांड का शरीर आपका होता है, तभी तो फिर आप जानते हैं कि फिर जैसे अगर अपन सीड को अगर अपन फ्रूट वाल से या पेरिकार्प से अलग करते हैं तो उसके ऊपर स्कार साइन दिखाई देता है, बिल्कुल, जो खाँच के समान से, हाँ, तो आप चने के बीज में आप देखते हो, ग्राम सीड में आप देखते हैं, बिल्कुल, तो वो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो गया इज स्कार ऑन द सीड कॉर्ड थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका हो गया, जैसे आपको ग्राउंड नट मूंगफली में भी दिखता है वो स्कार जो साइन होता है। पोर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प एक्सचेंज गैस इन सीड, ये तो माइक्रोपाइल होता है, बिल्कुल क्लियर, तो ये नहीं होगा आपका। और बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच हेल्प पॉजिटिव एंट्री, क्लियर, तो ये आप समझ सकते हो कि क्या है, चैलेंजर पार्ट है, एपिकल पार्ट माइक्रोपाइल होता है, बेसल पार्ट क्या होता है, चैलेंजर, ये चैलेंजर होता है बेसल पार्ट, बिल्कुल क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी प्लांट्स पजेस एंडोस्पर्मिक सीड्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायकोट सीड होते हैं, डायकोट सीड जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं भाई, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो एम्ब्रियो है वो पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेता है, बिल्कुल, जायगोट से जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल, तो एम्ब्रियो कंप्लीट एंडोस्पर्म को कंजप्शन कर लेता है, कंप्लीट एंडोस्पर्म का उपभोग कर लेता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो रिमेन नहीं रहता है, तो आप जानते हो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गई जनरली डायकोट, तो जनरल डायकोट में कभी भी एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ आप जानते हैं एक एक्सेप्शन होता है कैस्टर, जो डायकोट होते हुए एंडोस्पर्मिक, केवल एक एक्सेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, यस, बाकी आप जानते हो कि जनरली डायकोट क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट में क्या होता है कि जायगोट से जब यंग जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो एंडोस्पर्म का कंप्लीट कंजप्शन या कंप्लीट उपभोग नहीं हो पाता है, कंप्लीट यूज नहीं हो पाता है, कुछ रिमेन रह जाता है, तो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, लिटिल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन, यस, मोनोकोट सीड। तो आप जानते हो व्हीट में देखते हो आप, इन सब में तो मोनोकोट आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं,
केवल ऑर्किड एक ऐसा है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब यहाँ देखिएगा अपन को तो क्या करना है कि कितने पादप भ्रूणपोषी बीज धारण करते हैं, तो मुलेट ही ये डाइकोट है, इंडिगो फिर अभी डाइकोट है, सोयाबीन भी डाइकोट है, मिर्च आप समझ सकते हो। लेकिन एक बात है कि जो सोलेनेसी के मेंबर है उसमें स्मॉल सीड होते हैं, सोलेनेसी में एनसेट में दे रखा है एक्सेप्शन दे रखा है कि सोलेनेसी के मेंबर, ये आपको एक एक्सेप्शन काउंट करना है कि जो सोलेनेसी के मेंबर है वो डाइकोट होते हुए एंडोस्पर्मिक में काउंट है, बिल्कुल एंडोस्पर्मिक में काउंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मिर्च है, टमाटर है और तंबाकू, ये तीनों सोलेनेसी के मेंबर है, तो ये तीन आपके एंडोस्पर्मिक हो गए। बाकी ये मोनोकोट होगा एलोय, तो ये भी एंडोस्पर्मिक है, और ट्यूलिप भी मोनोकोट और ये भी एंडोस्पर्मिक है, तो टोटल आपके कितने हो गए पांच, पांच और विल बी सेकंड ऑप्शन, क्लियर। तो ये बात है भी, वैसे देखो कि उन सोलेनेसी के मेंबर्स को कंसीडर कर रखा है एनसीईआरटी ने, बाकी डाइकोट आपके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और मोनोकोट आपके क्या होते हैं एंडोस्पर्मिक, क्लियर। तो ये बात है क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पीस पजेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज कुछ परिपक्व बीज जैसे चना और मटर में भ्रूणपोष नहीं होता क्योंकि दीस प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म। नो, ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर नो डबल फर्टिलाइजेशन, रॉन्ग ऑप्शन होता है इनके अंदर, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्मड इन देम, नो एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जब उस जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर जो पूरा एंडोस्पर्म वो वहां पर यूटिलाइज कर लेते हैं जिससे पीछे एंडोस्पर्म बचता नहीं है। बिल्कुल भाई, आप समझ सकते हो कि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव है तो इसमें जो स्टोर फूड या जो न्यूट्रिशन इसी में है। अब जायगोट से यंग एम्ब्रियो बनेगा तभी तो आप जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी का रिजल्ट आपने जायगोट बताया भाई, जब ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगेमी का रिजल्ट क्या था, परिणाम जायगोट था, और ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट आपने बताया पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बिल्कुल, कि अब आप जानते हैं एक बार जायगोट में डिवीजन रुक जाएंगे, रेस्टिंग फेज में होगा, पहले एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन होंगे, एंडोस्पर्म टिश्यू डेवलप होगा जो कि एडेप्टेशन भी है, कुछ डिवीजन के बाद जायगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा क्योंकि जायगोट सिर्फ डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। बिल्कुल, तो अब आप समझ सकते हैं कि जायगोट से जब डेवलपिंग न्यू एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पहले देने के लिए एंडोस्पर्म बन जाता है बस, और एंडोस्पर्म से वो एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल, अब न्यूट्रिशन देने के बाद भी एंडोस्पर्म अगर रिमेन रह जाए, बच जाए, तो एंडोस्पर्म और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए यानी कंप्लीटली यूज्ड हो जाए, तो फिर आप कहते हो नॉन एंडोस्पर्मिक, एज लाइक डाइकोट प्लांट्स। अब आप ग्राम जितने भी पल्सेस होती है, दालें होती है, फिर जैसे ग्राम है, चना है, सोयाबीन है, और यहाँ पर बात करें ग्राउंड नट है, पी है, मटर है, तो आप समझ सकते हो कि ये सब क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये आपका होगा एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, क्लियर। और एक आपका सीड की नेचर में और बता देता हूं कि एक तो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक हो गए, ये तो ये जो कैटेगरी, एक एंडोस्पर्मिक हो गए, एक आपके होते हैं पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक जो है काली मिर्च है, चुकंदर है, क्लियर, आप ब्लैक पीपर है या फिर जो बीट रूट है, चुकंदर है, क्योंकि उनके अंदर एंडोस्पर्म तो है ही, लेकिन उनके अंदर जो न्यूसरस है वो बच जाता है, न्यू परसिस्टेंट न्यूसरस, न्यूसरस से कंज्यूम हो जाता है, न्यूसरस का कुछ पार्ट वहां रिमेन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में न्यूसरस बचा रहता है, जिसको बोलते हैं अपन पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष अपन बात करते हैं। तो ये बात आपकी तीन कैटेगरी आप वहां कैटेगराइज कर लें और इस कंसेप्ट को आप पूरा कर लें बेटा, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, दिए गए कथन को सही गलत में चिन्हित कीजिए, फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल सीडेड प्लांट। नो, जो जिम्नोस्पर्म है उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही बात, सीडेड आने से यहाँ पे गलत हो गया, बिल्कुल सही बात। मैंगो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल ट्रू फ्रूट है, सही बात है, सही है भाई। अभी अपन ने आपको बताया कि भाई फर्टिलाइज देखो, जायगोट से एम्ब्रियो बना, बिल्कुल, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से क्या फॉर्म हुआ, सीड, सीड, बिल्कुल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, सीड में, आराम से आप बात करें सीड में, तो जायगोट से इनसाइड एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड, और जो इंटीग्रमेंट होते हैं, अध्यारोपण होते हैं, वो आप जानते हैं कि सीड कोट, बिल्कुल, और फिर आप जानते हैं जो पेरिकार्प ओवरी वाल है, ओवरी वाल, तो ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट या पेरिकार्प, बिल्कुल, जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होगी, फर्टिलाइज्ड ओवरी, मैच्योर ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी आपकी क्या फॉर्म करेगी, फ्रूट करेगी, बिल्कुल। अब आप समझ सकते हो कि ये जो अरेंजमेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल में आपका एम्ब्रियो सैक फॉर्म हुआ था, एम्ब्रियो सैक, वहां आप जायगोट एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट, ये तो एंजियोस्पर्मिक नेचर है,
ये जो स्टिग्मिक पॉलिनेशन या स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी कार्पल एंजियोस्पर्म में होता है। तो कार्पल ओनली किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। अब जिम्नोस्पर्म में जो ओवरी वॉल नहीं तो नेक्स्ट सीड होते हैं, जिम्नो का मीन ही है नेक्स्ट, स्पर्म यानी सीड। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल सीडेड प्लांट नहीं होगा, फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली। इस पृथ्वी के ऊपर फ्रूट का पाया जाना आवर्तबीजी पादपों का अभिलाक्षणिक है, अभिलाक्षणिक है एंजियोस्पर्म प्लांट का, क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइज ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। और बेटा देखिएगा कि जो मैंगो है डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पल इज सुपीरियर ओवरी, मैंगो है कोकोनट है दोनों। हां तो अपन बात करते हैं कि भी आगे अपन बात करेंगे भी फ्रूट में, तो फ्रूट देखो बेटा फर्टिलाइज्ड ओवरी है, तो फर्टिलाइज ओवरी के अंदर जो ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल वो तो आपकी क्या फॉर्म करती है? पेरिकार्प। पेरिकार्प फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल्स पेरिकार्प फॉर्म करती है बिल्कुल। और वो एपिकार्प मेजोकार्प एंडोकार्प में डिफरेंशिएट भी कुछ में हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल। और इनसाइड आप जानते हो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जायगोट से डेवलप हुआ है। किससे? जायगोट से। अब आप ध्यान दीजिएगा या सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है सीड है वो भी बात हो गई, ओव्यूल से बन जाता है अपने पास में सीड बिल्कुल। अब आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रूट है ना, फ्रूट अपन बात करेंगे कि वहाँ थ्री टाइप के फ्रूट अपन पढ़ेंगे, सिंपल फ्रूट पढ़ेंगे सरल फल, और अपन बात करेंगे कि जो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं पुंज फल और कंपोजिट फ्रूट बिल्कुल। सिंपल का मीन होता है तो सिंगल ओवरी हो या फिर मैनी ओवरी हो तो सिनकार्पस हो, क्या हो? सिनकार्पस जुड़ी आपस में संयुक्त अंडपिस स्थिति हो तब सिंपल फ्रूट एकल फल एक फल बनेगा बिल्कुल। और एपोकार्पस वो सॉरी एग्रीगेट का मीन होता है एपोकार्पस कि मल्टीकार्पलरी हो बहुअंडपी और फर्तक हो एपोकार्पस कंडीशन हो अलग अलग तो वो आपका होता है एग्रीगेट फ्रूट क्लियर। और कंप्लीट इन्फ्लोरेंस यूज हो जाए एंटायर इन्फ्लोरेंस बिल्कुल, अगर फ्रूट फॉर्मेशन यूज हो जाए तो कंपोजिट फ्रूट होता है मलबरी वगैरह। हाँ तो वो जैसे हाइपेंथोडेम आपका हो जाता है क्लियर ऐसे। तो यहाँ आप जानते हैं कि मैंगो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी तो ट्रू फ्रूट है, यूकार्पिक है ट्रू फ्रूट है। और आप समझ क्योंकि सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस कंडीशन है इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओनली ओवरी फ्रूट फॉर्म कर रही है। फिर आपका ये बात होती है कि अगर ओनली ओवरी पार्ट ओवरी ओवरी फ्रूट फॉर्म करे तो ट्रू फ्रूट है ना, यूकार्पिक ट्रू फ्रूट है। और ओवरी के अदर देन अदर पार्ट को यूज हो बिल्कुल, जैसे एप्पल में थैलेमस है तो वो आपका फॉल्स फ्रूट है। अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में सिर्फ ओवरी का ही रोल है तब तो वो अपने पास में हो गया ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो गए क्लियर। खैर ये सारी बातें अपन क्लियर करेंगे आगे अपन। अब यहाँ तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट आपका फॉल्स है और सेकंड आपका क्या है ट्रू, तो ये आपका स्टेटमेंट थर्ड आपका फॉल्स बिल्कुल, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, मैंगो इज ए सिमिलर टू कोकोनट बीइंग ए कंपोजिट फ्रूट हैविंग ए फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प बीइंग पॉलीकार्पिक नेचर बिल्कुल हैविंग ए स्टोनी एंडोकार्प। दोनों में यहां पर जो एंडोकार्प है वो कैसी होती है? स्टोनी होती है, काफी हार्ड होती है बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा अपन ये बात कहते हैं कि जो मैंगो और कोकोनट है वो ड्रूफ फ्रूट है, ड्रूफ फ्रूट। तो ड्रूफ फ्रूट जो होते हैं वो अस्टिल फल होते हैं बिल्कुल। और ड्रूफ फ्रूट क्या होते हैं? मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो ये आप जानते हो कि यूकार्पिक है ट्रू फ्रूट है, यूकार्पिक है और ट्रू फ्रूट है बिल्कुल। और ये आप समझ सकते हैं कि सिंपल फ्रूट है हाँ, क्योंकि सिंगल ओवरी यूज हो रही है और सिंपल में भी फ्लैशी फ्रूट है। क्या है फ्लैशी? यानी फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं जिनमें जो इनकी पेरिकार्प हो डिफरेंशिएट हो एपिकार्प में, एपिकार्प मीजोकार्प मीजोकार्प और एंडोकार्प एंडोकार्प क्लियर। अब देखिएगा आप आराम से कि मैंगो का आप जब वहां डायग्राम देखोगे तो मैंगो में एपिकार्प उसकी स्किन होती है उसका छिलका होता है, फिर उसका जो जूसी पार्ट होता है वो आप जानते हैं कि मीजोकार्प फाइब्रस जूसी मीजोकार्प होती है और एंडोकार्प उसकी स्टोनी होती है। एंडोकार्प क्या होती है? स्टोन, तो सीड के जस्ट ऊपर पाई जाती है हाँ हाँ। और मेसोकार्प यहाँ पर एडिबल पार्ट है बिल्कुल मैंगो का मैंगो। और अगर अपन कोकोनट की बात करें, कोकोनट की बात करें तो बेटा देखो उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि पहले आपकी एपिकार्प एपिकार्प होगी बिल्कुल जो लिग्नोफाइबर है, फिर आपकी जो उसकी मीजोकार्प है वो कोयर जटा है फाइब्रिल्स जो फाइब्रस है देखो कोयर जटा लेकिन एडिबल नहीं कोयर जटा ठीक है इसलिए डिफरेंट कोयर होगी। और उसकी एंडोकार्प उसकी भी स्टोनी है बिल्कुल है ना, एंडोकार्प उसकी भी क्या है स्टोनी, दोनों की स्टोनी होती है हाँ हाँ। तो आप जानते हो कि नारियल के अंदर आपका ओनली मेजोकार्प जो उसकी जटा है ना कोयर बिल्कुल वो मेजोकार्प होती है फाइब्रस और एंडोकार्प उसकी भी स्टोनी होती है बिल्कुल क्लियर। और फिर अपन कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म अपना एडिबल पार्ट है, एंडोस्पर्म जो अपना है वो एडिबल पार्ट है कोकोनट के एडिबल पार्ट क्लियर। तो कोकोनट में एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट है आप समझ रहे हैं। तो और आप जानते स्टोनी एंडोकार्प है यहाँ आप समझ सकते हो कि दोनों पाई जाती है मैक्रोस्क्लेरिड है स्क्लेरिड है तब ये स्टोनी है।
तो ये ड्रूफ फ्रूट्स आपके हैं, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी हैविंग ए स्टोनी एंडोकार्प, इसके अलावा कोई भी इनमें सिमिलरिटी नहीं होगी, है ना। देखो हैविंग फ्लैसी, हाँ फाइब्रस मीजोकार्प हो सकती है, लेकिन मैंगो में एडिबल है, कोकोनट में एडिबल नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो व्हाइट पार्ट या जो लिक्विड पार्ट आप खाते हो कोकोनट के अंदर, वो सेलुलर एंडोस्पर्म आपका होता है। क्लियर, हाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, बीजांडासन और फलभित्ति दोनों खानों के बाद किसमें है, तो ध्यान दीजिएगा। अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ देखो एप्पल, इसमें थैलेमस होता है, बिल्कुल बनाना, इसमें आप जानते हैं मीजोकार्प होता है, और जो रिड्यूस एंडोकार्प है टोमेटो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। और पोटेटो भैया यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम है, ये वेजिटेबल है, ये आप जानते हो कि ये अंडरग्राउंड आपका क्या है, देखो स्टेम है, स्टेम है। देखो अपन टोमेटो को भी ऐसे जनरल लैंग्वेज में सब्जी बोल देते हैं, पोटेटो बोल देते हैं, ये फ्रूट है और ये आपका क्या है, स्टेम, स्टेम है। एपीएमटी 2014 में आया क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका एपीएमटी 2014 में आया, और वो क्वेश्चन क्या है बेटा कि भी टोमेटो का एडिबल पार्ट है, तो देखिएगा कि टोमेटो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ सकते हैं बेटा बेरी फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है, बिल्कुल सिंपल सरल फल, सिंपल फ्रूट फ्रूट। अब सिंपल में भी आप जो दो टाइप पढ़ते हैं भाई, फ्लैसी और ड्राई, बिल्कुल फ्लैसी और ड्राई, तो ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लैसी है मांसल है, और ड्राई फ्रूट होते हैं शुष्क फल, बिल्कुल अब ये फ्लैसी है। अब फ्लैसी में भी कौन सा टाइप है, बेरी, बेरी बेरी प्रकार का ये फ्रूट है। और ये जो टोमेटो है ये कैसे डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है बाईकार्पेलरी सुपीरियर ओरिजिन, बाईकार्पेलरी सिनकार्पस, बिल्कुल है ना। अब देखो कि अंडब तो है बाईकार्पेलरी, लेकिन वो फ्यूज है, सिनकार्पस कंडीशन है, तो वो सिंपल ही बनेगा। तो आप जानते हो कितने भी, या तो अंडब एक हो यानी कार्पल एक हो, मोनोकार्पेलरी कंडीशन हो, या एक या से ज्यादा हो, मल्टीपल कार्पल लेकिन फ्यूज हो, फ्यूज हो, सिनकार्पस कंडीशन हो, तो आप जानते हैं कि सिंपल फ्रूट करती है, तो बाईकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन सुपीरियर हो, बिल्कुल। तो सुपीरियर तो यूकार्पिक ट्री फ्रूट है, हां हां सुपीरियर ओवरी है, समझ रहे हो ना। अब आप दिमाग लगाए, आपने देखा है कि सोलनेसी फैमिली का मेंबर है, तो सोलनेसी के अंदर जो कार्पल है वो ओब्लिक्यूली अरेंज होती है ऐसे, टोमेटो का आपने देखा है, तो बाईकार्पेलरी होगी। जहां कार्पल फ्यूज होती है, कार्पल के जो किनारे होते हैं वो फ्यूज होते हैं, वहीं पे आप जानते हो कि सेप्टा फुला, और ये सेप्टा सेंट्रल एक्सिस से कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पर आपके क्या होते हैं ऐसे ओव्यूल्स होते हैं। तो आपने टोमेटो को देखा ना, आप दिमाग लगाना टोमेटो के अंदर आप एपिकार्प जो बहुत थिन स्किन होती है, मीजोकार्प एंडोकार्प और साथ साथ में प्लेसेंटा, बिल्कुल प्लेसेंटा को भी आप खाते हैं, तो आप जानते हैं कि टोमेटो के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा होता है, दोनों यहाँ पे एडिबल पार्ट है, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, जैसे टमाटर हो चाहे ब्रिंजल हो, बिल्कुल है ना, पेरिकार्प टमाटर बैंगन में पेरिकार्प और प्लेसेंटा, बिल्कुल आप दोनों खा जाते हैं। क्लियर, यानी पूरा टमाटर ही खा जाते हैं, यहाँ छोड़ते हो कि कुछ आप, हाँ तो आप समझ सकते हो कि यहाँ आपका हो गया टोमेटो। क्लियर, जहां पेरिकार्प भी और बीजांडासन भी खाने योग्य भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो रिपीट भी हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, फाइब्रस कॉइल इज ऑब्टेंड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कोकोनट, नारियल के किस भाग से तंतु में जटा प्राप्त होती है, एपिकार्प, एपिकार्प यहाँ पर जो है वो फाइब्रस नहीं होता, ये काफी थिन पार्ट होता है, काफी थिक पार्ट होता है, काफी हार्ड पार्ट होता है। मीजोकार्प बिल्कुल अपन यहाँ पर कह सकते हैं फाइब्रस पार्ट है, जो जूट वगैरह है ये से निकलती है। एंडोकार्प ये यहाँ पे स्टोनी पार्ट होता है, नॉन फाइब्रस है। और सीड कोट ना, ये यहाँ पे सीड कोट पॉसिबल नहीं है, तो फाइबर पार्ट यहाँ पे मेसोकार्प। भाई जो ड्रू फ्रूट अपने बता दिया था, बिल्कुल हाँ, जो फाइब्रस आपकी होती है वो कौन होती है, मेसोकार्प होती है। तो कोयर जटा जो कोयर होती है वो वैसे ही नारियल के अंदर की होती है, मेसोकार्प, बिल्कुल। क्लियर, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, नारियल का पानी तथा इसका खाने जाने वाला भाग किसके तुल्य है। अपने को पता है भी नारियल में दो पार्ट है, एक तो है सेलुलर एंडोस्पर्म जो व्हाइट पार्ट है, खाने वाला पार्ट है, एक इसमें होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि पीने वाला पार्ट है। मैं देखो ये आप जानते हो कैसे यहाँ पार्ट जो होता है, बिल्कुल वो एंडोस्पर्म है, और आप समझ सकते हो कि यहाँ आप जानते हो लिक्विड सिंसियम, बिल्कुल जो इसका तरल भ्रूणकोश है, लिक्विड एंडोस्पर्म है, तो दोनों एडिबल आप जानते हो। नारियल में सीधी सी बात है कि एंडोस्पर्म होता है, एडिबल पार्ट होता है, बिल्कुल। क्लियर, तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए फॉल्स स्यूडोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट इज दैट व्हिच डेवलप फ्रॉम, एक असत्य आभासी प्रकार का फल निम्नलिखित में से किससे विकसित होगा, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी, थैलेमस, पेडुंकल,
या मोर देन वन आर करेक्ट, बिल्कुल या मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल भाई। वो तो अदर पार्ट ऑफ फ्लोर, ओवरी के अलावा या ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट भी, चाहे वो थैलेमस हो चाहे वो पेडेंकल हो, ये इन कंप्लीट इन्फ्लुएंस हो बिल्कुल। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपोजिट फ्रूट होते हैं, संगठित फल कंपोजिट फ्रूट, तो कंपोजिट फ्रूट बेटा ऑलवेज क्या होते हैं, फॉल्स ही होते हैं, क्योंकि वो तो एंटायर इन्फ्लुएंस। यस, जैसे कि ये साइकोनस होता तो कंप्लीट जो आपका हाइपेंथोडियम इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पर हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लुएंस होता है तो वो आपका फॉर्म करता है क्या, जो साइकोनस फ्रूट है। सोरोसिस जैसे आप जानते हैं कि कैटकिन कंप्लीट इन्फ्लुएंस आपका डेवलप करता है, कंपोजिट फ्रूट एंटायर इन्फ्लुएंस। तो एंटायर यानी संपूर्ण पुष्पक्रम, एंटायर इन्फ्लुएंस, तो ये आप समझ सकते हो बेटा कि डेवलप करता है ना कंपोजिट। तो ओवरी क्या फॉल्स ही होते हैं, क्योंकि उनमें तो ओवरी के अदर पार्ट यूज होगा ही होगा, जब पूरा इन्फ्लुएंस यूज हो रहा है तो कैलिक्स वगैरह सारे पार्ट आ गए। फिर आप जानते हो बेटा कि देखो जैसे आपको आपने बताया कि एग्रीगेट फ्रूट और सिंपल फ्रूट जो होते हैं, तो एग्रीगेट और जो सिंपल फ्रूट होते हैं इनमें दो कंडीशन होती है कि अगर सुपीरियर ओवरी कंडीशन हो, सुपीरियर ओवरी हो, सुपीरियर ओवरी और ओनली ओवरी से फ्रूट बने तब तो यूकार्पिक ट्री फ्रूट है बिल्कुल, और ओवरी के अदर देन कोई भी पार्ट यूज हो फॉल्स फॉल्स है। तो आप जैसे एप्पल में देखते हो कि जो फ्लैश आपका खाने के भाग है ये थैलेमस, ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन उसका जो ओवरी का जो ट्री होता है, जो आप जानते हो ओवरी से जो फॉर्म होता है, तो यहाँ जानते हो ना सीड वहां देखते हो आप मिड पार्ट के अंदर, तो ये आप एप्पल को कभी भी इसे कट उसका जो लॉन्गिट्यूडनली आप कट लगकर देखना, तो ये सारी बात हो गई। तो यहाँ आप जानते हो कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर। हाँ ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मीन एन इसे फल का अर्थ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अपन सीधी सी बात करते हैं कि जब फर्टिलाइज ओवरी आप जानते हैं फ्रूट में कन्वर्ट हो बिल्कुल, तो वो आप जानते हैं कि बेटा की सीधी सी बात है नॉर्मल कंडीशन है, फर्टिलाइज ओवरी कर, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी का फ्रूट में तो पार्थेनोकार्पिक बिल्कुल, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम एग, एग से तो बनता ही नहीं बिल्कुल भाई, वो तो आप समझ सकते हैं। हाँ कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आप जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट और एक एग सेल में होता है फर्टिलाइजेशन, तो उससे जायगोट डेवलप होता है, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर ओवरी या फर्टिलाइज ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो जनरल फ्रूट होता है, ट्री फ्रूट भी होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एग और जो फ्रूट का कोई तालमेल नहीं है, हाँ। क्योंकि एग तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी है क्लियर, लेकिन फ्रूट उसमें नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं आपका होगा। नो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी वॉल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। हाँ तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ओवरी वॉल से फ्रूट बने लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो आप जानते हो पार्थेनोकार्पिक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मैच्योर ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो तो आप जनरल फ्रूट आपका है। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया, थर्ड बिल्कुल। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम स्पोरोफिटिक विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ओवरी वाल देखा है कि देखो वो पेरिकार्प जो बनेगी ना ओलवेज कहां से बनेगी, ओवरी वाल से ही बनेगी। ओवरी वॉल एंजियोस्पर्म में है तभी तो फ्रूट बन रहा है बिल्कुल, और एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है बिल्कुल, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर द फ्लोरल डायग्राम, नीचे पुष्प आरेख दिए गए हैं। तो देखो अपने के पास में ये जो अपने पास में ए है वो यहाँ पे कौन सी फैमिली का हो गया, ब्रैसिकेसी का है, ये यहाँ पे लिलेसी फैमिली का है, तो ब्रैसिकेसी का एग्जांपल यहाँ पे अपने हो गया रेड रेफनस बिल्कुल, मूली रेफनस से टाइप हो गया, और लिलेसी का यहाँ पर एग्जांपल है लिली, लिली फर्स्ट पास यहाँ पे नर्सरी हो गया भाई। देखो ये ब्रैसिकेसी जो क्रूसीफेरी फैमिली है, मॉडर्न नाम है ब्रैसिकेसी, मस्टर्ड फैमिली, फ्लोरल डायग्राम है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्लोरल डायग्राम है, जैसे आप समझ सकते हैं कि फ्लोरल डायग्राम है तो ये आपके सेपल हैं, ये आपके पेटल्स हैं, और क्रूसीफॉर्म में ही क्रूसीफॉर्म बिल्कुल 2+2 क्रूसीफॉर्म आपको आ गया, और स्टेपल यहां पे अलग-अलग लेंथ के हैं, टेट्राडायनेमस होगी टेट्राडायनेमस, तो जो 2+4 और आप समझ सकते हैं कि इनसाइड आप जानते हो बाइकार्पल है, सिनकार्पस पैराटल प्लेसेंटेशन है, लेकिन बाद में रेप्लम बन गया बिल्कुल, तो वो पहले आप जानते हो कि यूनिलोक्युलर था लेकिन बाद में बाइलोक्युलर कंडीशन होगी। अगर इसका अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो ई ब्रैक्टिएट बिल्कुल एक्टिनोमोर्फिक, आप समझ रहे हैं ई ब्रैक्टिएट है एक्टिनोमोर्फिक है, के 2+2 और सी 4x, ए 2+4 और जी सुपीरियर ओवरी बाइकार्पल सिनकार्पस पैराटल प्लेसेंटेशन, पैराटल प्लेसेंटेशन। अब देखो बेटा कि ये फ्लोरल फॉर्मूला होता है, फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर आप जानते हो कि एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन का पता नहीं चलता है
क्लियर, बिल्कुल। और ये आपका फ्लोरल डायग्राम है। हाँ। तो फ्लोरल डायग्राम में आप जानते हैं कि एस्टिगेशन प्लेसेंटेशन में पता चलता है, लेकिन ओवरी की जो सुपीरियर कंडीशन है उसका पता वहां नहीं चलता है, यहाँ चल जाता है। बिल्कुल। तो कुछ कैरेक्टर इसलिए आप जानते हैं कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए अपन फॉर्मूला भी लिखते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं, दोनों में। ये आप जानते हैं कि ट्राइमेरस यानी लीडीसी फैमिली, बिल्कुल, ये पेरियंथ बन गए यहाँ पर। पेरियंथ है तो आप जानते हैं कि वहाँ कैलिक्स और कोरोला में सेपल पेटल इनडिस्टिंक्ट होते हैं। बिल्कुल, सेपल पेटल आपस में अटैच होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो टेपल, एंड द वॉल ऑफ टेपल इज पेरियंथ। तो यहां 3+3 होता है, आप समझ रहे हैं। उसके पास आप जानते हैं कि जो एंड्रोसियम है, स्टेमन है, वो आप जानते हैं कि कितने हैं, 6 है। बिल्कुल। और 3+3 है। और फिर आप जानते हैं कि यहां आपस में अटैच भी स्टेमन होते हैं। क्लियर। और फिर आप जानते हो ट्राइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, लेकिन एक्जिल प्रेजेंटेशन, देखो ट्राइकार्पलरी और ये एक्जिल प्रेजेंटेशन और ट्राइलोक्युलर कंडीशन, ट्राइलोक्युलर कंडीशन आपकी हो जाएगी। क्लियर। तो ये सारी बातें आपके सामने हुई, फर्स्ट ऑप्शन का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज ट्राइमेरस फ्लावर, निम्न में से कौन से कुल में त्रितई पुष्प पाए जाते हैं, ब्रैसिकेसी, लिलियसी। हाँ बिल्कुल सही है, सोलेनेसी, फाबेसी। तो यहाँ पे जो लिलियसी है उसके अंदर ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाती है। सारी बात बताते हैं, अपने पहले भी क्लियर किया था कि जो फ्लोरल वूल होते हैं वे 3 या 3 के मल्टीप्लाई में, तो अगर आप समझ सकते हो कि वो ट्राइमेरस हैं। बिल्कुल, ट्राइमेरस लिलियसी एडवांस करेक्टर है ट्राइमेरस का होना। आप समझ सकते हो कि मोनोकोट फैमिलीज में कंडीशन होती है, तो लिलियसी में, पोएसी, ग्रेमिनी में आपकी ट्राइमेरस होती है। एक कंडीशन आपकी होती है टेट्रामेरस, ब्रैसिकेसी फैमिली में। हाँ, तो ब्रैसिकेसी फैमिली में आपकी टेट्रामेरस कंडीशन होती है, चतुर्थई। और एक होता है पेंटामेरस, तो पेंटामेरस कंडीशन आपकी होती है उसे डायकोट्स में। बिल्कुल। तो ये आपकी होगी पेंटामेरस, पंचतई। तो देखो यहाँ दिमाग लगा लेना कि ये टेट्रा टेट्रामेरस है, ये ट्राइमेरस है, ये पेंटा है, ये पेंटा है। बिल्कुल। क्लियर। तो यहाँ पर लिलियसी ट्यूलिप, और आपको वहां देखो लिलियसी में जो फ्लोरल वूल है 3 या 3 के मल्टीप्लाई में, जैसे टेपल है पेरियन 3+3, जैसे आप जानते हैं स्टेमन है 3+3, और ट्राइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी आपकी ये कंडीशन है, सारे 3 के मल्टीपल में है। बिल्कुल। तो ट्राइमेरस आपकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, द गिवन फ्लोरल डायग्राम इज बिलोंग टू, दिया गया पुष्प से संबंधित है, एस्टरेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, लेगोमिनेसी। तो यहां पर जो सोलेनेसी फैमिली है उसका ही डायग्राम है, जिसके अंदर अपने को पता है कि ये जो 5 के मल्टीपल में है, और यहाँ पे अपने पास में ओब्लिक टाइप की ओवरी पाई जाती है, एपिपेटलस कंडीशन है, जहाँ पे स्टेमन्स आर एसोसिएटेड विद पेटल्स। बिल्कुल, अपन लिख देते हैं सर, ये आपका फ्लोरल डायग्राम हो गया। फ्लोरल फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो ब्रैक्टिएट फ्लोर होते हैं, सहपत्री आप समझ सकते हैं कि बायसेक्सुअल फ्लोर है। बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं कि एक्टिनोमोर्फिक फ्लोर है, त्रिज्या समित। यस। और ये देखिएगा कि सेपल 5 है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपलस है। बिल्कुल। K5, ये आप जानते हैं कि पेटल भी 5 है, वो भी आपस में तो गैमोपेटलस। और ये आपके स्टेमन फिर ये तो A5, लेकिन स्टेमन कार्पल, वो सॉरी पेटल से अटैच है, एपिपेटलस कंडीशन। बिल्कुल। तो ये देखिएगा कि एपिपेटलस कंडीशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, एपिपेटलस कंडीशन, ये एपिपेटलस कंडीशन होगी। और फिर आप वहां कहते हो कि बाइकार्पलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी है, एक्जिल प्रेजेंटेशन है। तो देखो कार्पल अपने कहा था कि ओब्लिक्यूली अरेंज होते हैं, तो यहाँ कार्पल देखो ओब्लिक्यूली अरेंज है, जहां कार्पल के मार्जिन टच होते हैं, किनारे टच होते हैं, यहाँ से सेप्टा आ गया सेंटर के ऊपर। और ये स्लोन इन फुलावा बिजंडासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, स्लोन प्लेसेंटा फुलावा बिजंडासन। टमाटर अगर आप खाएं तो बीच में व्हाइट आप जानते हैं, फुलावा से बिजंडासन आपका आता है, वहां सीड उसके ओव्यूल होते हैं जो लगे होते हैं। ठीक है। और ये बाइकार्पलरी सिन कार्पस, तो अपन बोलते हैं बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी। क्लियर। ये आपकी कंडीशन हो गई। और देखो ये मदर एक्सिस को शो कर रहा है। क्लियर। आप समझ सकते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा देखो कि ओवरी की सुपीरियर कंडीशन जो फ्लोरल डायग्राम में नहीं पता लग रही, यहां लग रही फ्लोरल फॉर्मूला में। और जो आपको एस्टिवेशन प्लेसेंटेशन है, जैसे आप जानते हो कि एस्टिवेशन यहाँ वाल्वेट है कोरस्पर्सी, क्योंकि देखो इनके मार्जिन केवल टच कर रहे हैं, तो वाल्वेट कोरस्पर्सी एस्टिवेशन है, ये डायग्राम में दिख रहा है ना आपको। और इसके अलावा आप जानते हैं कि देखो एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन आप जानते हो एक्सल प्लेसेंटेशन है, कौन सा प्लेसेंटेशन है, एक्सल। अब आप समझ सकते हो कि बाइकार्पलरी हो, सुपीरियर ओवरी हो, बाइलोक्युलर हो, एक्जल प्रेजेंटेशन हो, और एपिपिटलस कंडीशन हो, तो ये 100% किस फैमिली में होती है, सोलेनेसी में होती है, सोलेनेसी में होती है। क्लियर। तो प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन जो फ्लोरल फॉर्मूले में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे,
और वो चीज आपको फ्लोरल डायग्राम में दिख जाएगी। बिल्कुल। और फ्लोरल डायग्राम में पोजिशन ऑफ ओवरी, ओवरी की स्थिति पता नहीं लगा पाओगे, वो आपको कहाँ दिख जाएगी फॉर्मूले में। अगर आपके पास फॉर्मूला डायग्राम दोनों है तो आप कंप्लीट फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, पूरा पुष्पीय विवरण आप दे सकते हैं। तो सोलेनेसी की एक ही बात, सीधी बात, अपन बात करें बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, बाइलोक्युलर एक्सियल प्रेजेंटेशन, एपिपिटलस कंडीशन, एपिपिटलस कंडीशन, परसिस्टेंस कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स जो है, ये सारे चीजें किसमें है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, गिवन फ्लोरल डायग्राम इज रिलेटेड विद प्लांट एंड करेक्टली पेयर दिस प्लांट विद करेक्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे अपने पास में कंडीशन है, ये अपने पास में मस्टर्ड फैमिली जो ब्रैसिकेसी फैमिली है, बिल्कुल उसका है, और यहाँ पे टेट्रा डायनेमिक स्टेमन है, मतलब यहाँ पे स्टेमन जो वो 4+2 के ऑर्डर में है। बिल्कुल। यहाँ पे जो स्टेमन की लेंथ है वो वेरिएबल है। भाई देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपको डायग्राम दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम, बिल्कुल, और ये फ्लोरल डायग्राम आप समझते हैं क्रूसीफेरी, और मॉडर्न नाम आप जानते हैं ब्रैसिकेसी की, ब्रैसिकेसी। तो ब्रैसिकेसी का ये डायग्राम है, क्लियर? बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं बेटा, देखो कि भी क्रूसीफेरी, बिल्कुल क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी का ये डायग्राम आपका है, फ्लोरल डायग्राम, जहां आप जानते हो टेट्रामेरस कंडीशन होती है, टेट्रामेरस कंडीशन, यस। और वहां का अगर अपने फ्लोरल फॉर्मूला लिखूं, बिल्कुल, ई ब्रेक्टेट, ऐसे पत्री पुष्प होते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि, यहां मैं वापस से लिख देता हूं, बिल्कुल, ई ब्रेक्टेट फ्लोर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ये K2+2 C4 एक्सक्लूसिव फॉर्म, बिल्कुल K2+4, तो ये है टेट्राडायनेमस। और बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियोरी पैराटल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। और आप जानते हैं पैराटल प्रेजेंट बाद में रेप्लम फॉर्म हो जाता है, जो सुडो फॉल्स सेप्टम है, रेप्लोग्राम, तब आप जानते हैं कि बाइलोक्युलर, वरना जनरली यहां यूनिलोक्युलर आपका होता है एक पोस्ट की। तो ये देखिएगा कि EBR आपका हो गया, ये आप जानते हैं कि टेट्राडायनेमस, बिल्कुल। तो आउटर टू और ये फोर, ये जो स्टेमन आपको दिख रहे हैं तो टेट्राडायनेमस कंडीशन, ये दो यहां पे छोटे होते हैं, यहां पे लंबे स्टेमन होते हैं, बिल्कुल। नीट 2016 में, नीट 2016 में क्वेश्चन आया, सेकंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि स्टेमन के जो फिलामेंट है, बिल्कुल, जनरली आप जानते हो कि एक एंड्रोसी में चाहे कितने भी स्टेमन हो, स्टेमन के फिलामेंट की सेम लेंथ होती है, बिल्कुल, क्लियर। जैसे आप जानते हैं कि 5 स्टेमन है, जैसे चाइना रोज में कितने भी स्टेमन है, लेकिन आप जानते हैं कि सबकी फिलामेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, लेकिन यहाँ फिलामेंट की लेंथ में वेरिएबल होते हैं, बिल्कुल। दो आपके फिलामेंट शॉर्ट होते हैं, 4 आपके क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, क्लियर। तो यहाँ 2+4, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया कि इस ब्रैसिकेसी फैमिली के एग्जांपल दे दी गई, बिल्कुल 6 एग्जांपल वहां दिए गए थे 2016 में। आप क्वेश्चन देखना तो उसमें आप जानते हो जो पूरी मस्टर्ड है, जैसे सरसों है, ये जितनी भी गोभी होती है, मूली है, ब्रैसिका ओलेरेसिया है, ब्रैसिका जो प्रोटाइटस है, है ना, और रेफनस यानी मूली, तो सरसों है, मूली है, गोभी है, चकुंदर है, ये सारे तो आपके किस्में आते हैं ब्रैसिका में, आते हैं, ठीक है। और एक आपका और होता है जहां स्टेमन वेरिएबल लेंथ शो करते हैं फिलामेंट, बिल्कुल, वो आपका होता है सालविया, सालविया। तो सालविया में आप जानते हैं कि 2+2, 4 स्टेमन होते हैं, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, बिल्कुल। तो वो होती है डायडायनेमिक्स कंडीशन, तो डायडायनेमिक्स कंडीशन किसमें होती है, सालविया में। और टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन किसमें होती है, मस्टर्ड में। और यहाँ देखो ब्रैसिकेसी का एक एग्जांपल बता रखा है, बाकी पी फाबेसी फैमिली होगी, सोलेनम सोलेनेसी होगी, ट्यूलिप लिलियेसी होगी, यहाँ आप जानते हैं कि मस्टर्ड फैमिली है, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ए डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लावर डायग्राम रिप्रेजेंट, पुष्प चित्र के ऊपर डॉट संरचना किसकी उपस्थिति को इंगित करती है, नंबर ऑफ फ्लावर ऑन ए नोड, नो सिमेट्री ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द फ्लावर, जो फ्लावर है उसका मदर एक्सिस से जो पोजीशन होती है उसको ये डॉट शो करता है, बिल्कुल। डॉट तो करता है आप जानते हैं कि मदर एक्सिस को, बिल्कुल। और अगर अपन ये लगाए ना ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टिएट, बिल्कुल, तो रिड्यूस लीप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आप जानते हैं, जैसे लीप लीप के एक्जिल में एक्सिलरी बड होती है, बिल्कुल, वैसे फ्लोर के एक्जिल में आपका होता है ब्रेक्टिएट, रिड्यूस लीप लाइक, तो ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टिएट, बिल्कुल। और ये आपका होता है मदर एक्सिस, क्लियर। तो ये सारी बातें आपके सामने होती है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, सिमिलर फीचर ऑफ फैमिली लिलियेसी एंड सोलेनेसी आर, लिलियेसी तथा सोलेनेसी कुलों में क्या समानता है, तो लिलियेसी यहाँ पे अपने पास मोनोकोट की फैमिली है, और जो सोलेनेसी है वो यहाँ पे डायकोट की फैमिली है, बोथ हैव पैरेलल वेनेशन, नो, क्योंकि जो पैरेलल है वो किसके अंदर होगा, मोनोकोट, मोनोकोट में होगा, लिलियेसी में होगा, बिल्कुल। और सोलेनेसी में आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा, जालिकावत, बिल्कुल, ठीक है। बोथ हैव वॉल्वेट एस्टिवेशन, क्लियर। तो आपको समझते हो कि आपको समानता लेनी है
तो वाल्वेट एस्टिवेशन आप समझ सकते हैं कि लिवेसी सोलेनेसी में हो जाएगा। स्टेमन और डायथिकस बिल्कुल, पेंटामेरस ये ओनली सोलेनेसी में होगा बिल्कुल। ये सोलेनेसी का कैरेक्टर की लिवेसी का ट्राइमेरस होता है बिल्कुल, ट्राइमेरस तीन के मल्टीपल में होते हैं, पेरेंट बनाता है। एक्सल प्लेसेंट ये बहुत अच्छी बात है हाँ, कि सोलेनेसी में बाइकार्पलरी सिनकार्पस, बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी बिल्कुल, और आप जानते हैं कि एक्सल प्लेसेंटेशन बाइलोक्युलर, और लिवेसी में आप जानते हैं कि थ्री कार्पल होते हैं, तो थ्री सेप्टा आप जानते हैं कि थ्री कार्पल होते हैं बिल्कुल, थ्री कार्पल आपके होते हैं तो आप जानते हैं बेटा कि थ्री सेप्टा बिल्कुल क्लियर, और थ्री सेप्टा होते हैं फिर वहां पे आप जानते हैं कि ये ओव्यूल्स होते हैं, तो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ट्राइलोक्युलर कंडीशन आपके होती है, तो एक्सल प्रेजेंटेशन ये करेक्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ए बी सी ई, तो बी सी ई का फर्स्ट ऑप्शन आपका है बिल्कुल, बी सी ई क्लियर, बाकी सब में ए दे रखा है तो ए तो आपका पॉसिबल ही नहीं, तो बी सी ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस बेटा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट करेक्ट फ्लावर फॉर्मूला फॉर ल्यूपिन प्लांट, ल्यूपिन पौधे के लिए सही पुष्प सूत्र का चयन करो। Okay. तो ध्यान दीजिएगा कि जो ल्यूपिन प्लांट है उसके लिए जो बेस्ट आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अपन बात करेंगे बेटा, कि देखो ये आपका हो जाएगा क्योंकि ल्यूपिन किससे रिलेटेड है, फाबेसी बिल्कुल, फाबेसी से रिलेटेड है यस बेटा, और जो फाबेसी फैमिली है बिल्कुल वहां आप जानते हैं कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहां फाइव पेटल आपके होते हैं पेपिलोनेसिस, ये स्टैंडर्ड वेक्जिलम, ये आप जानते हैं लेटरल विंग्स, और आपको बताया था कि ये कील कैरिना, तो ये आपके हो गए, तो वहां कंडीशन होती है 1, 2 और 2 बिल्कुल, ये कंडीशन होती है आप समझ रहे हैं। और आप देखते हैं कि बेटा सीधी सी बात है, तो देखिएगा यहाँ जायगोमोर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, K5 हो गया, C1+2+2 आपका हो गया, A9+1 हो गया, G आपका E1 हो गया, तो ये फर्स्ट ही है। हाँ। और देखिएगा इस फ्लोरल फॉर्मूले से अपन सारी सूचनाएं निकाल लेते हैं, देखो यहाँ मैं वहां पर लिख देता हूँ ये जायगोमोर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल, यहाँ देखो आराम से लिखते हैं ये प्लस ये बिल्कुल, फिर आप देखिएगा क्लियर, फिर आप देखिएगा, फिर आप देखिएगा 9+1 स्टेबल, डाइडेल्फस कंडीशन एंड G1 सुपीरियर होगा, आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये सारी कंडीशन मैं आपको निकाल देता हूँ क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि भाई यहाँ यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट है कि बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वैसे मोनोकार्पलरी आप जानते हैं उसके लिए अपन G1 देते हैं ठीक है। अब देखिएगा ये सिमेट्री है जाइगोमोर्फिक बिल्कुल, जाइगोमोर्फिक, और जाइगोमोर्फिक जो बायलेटरल सिमेट्री होती है वो जाइगोमोर्फिक फ्लोर होते हैं ओनली फाबेसी में होते हैं बिल्कुल, जनरली एक्टिनोमोर्फिक में होते हैं ये आप जानते हैं, फ्लोर बाइसेक्सुअल है, तो मटर में इनमें सब में जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ये देखिएगा कि सेपल 5 और गैमोसिपलस बिल्कुल, पेटल पेटल पॉलीपिटलस और अनइक्वल साइज की इरेगुलर, तो आप तभी तो जाइगोमोर्फिक है। तो देखो 1+2+2 पेपिलेनेसिस, 1 स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स, और ये आप बिल्कुल क्लियर, तो वेक्जिलरी एस्टिवेशन हो गया। ये देखिएगा डायडेल्फस 9+1, तो डायडेल्फस में 10 स्टेमन है बिल्कुल, ये यूनाइटेड एक बंडल 9+1, तो डायडेल्फस कंडीशन है, 10 स्टेमन में से 9 का एक ग्रुप हो गया, हाँ हाँ एक अकेला हो गया। और मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है और मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर आपका जाएगा बिल्कुल क्लियर हाँ। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर कितने जो पादप है वो सजावटी पादप है। सीधी सी बात है, देखो आप एक टेबल बना ही लेना सभी फैमिलीज की, यहाँ फैमिलीज के अंदर तीन चीज आपसे पूछी जाएगी, एक ऑर्नामेंटल कैटेगरी यानी कितने सजावटी पादप होते हैं, एक मेडिसिनल बिल्कुल, एक आपकी कैटेगरी होगी मेडिकल प्लांट की बिल्कुल, मेडिकल प्लांट की, कुछ और भी होते हैं मेडिसिनल प्लांट, और जैसे अपन बात करें कि फाबेसी फैमिली है उसमें आप जानते हो कि एक डाई होती है रंजक, तो इंडिगोफेरा जो आपको नील रंजक देता है इंडिगो फेरा देता है बिल्कुल। ऐसे आप जानते हैं कि कहीं पर फोल्डर चारे के रूप में वहां फाबेसी में कुछ होता है बिल्कुल, ऐसे सोलेनेसी में फ्यूमिजेटरी धूमक जैसे तंबाकू आपका होता है, लेकिन ये दो मैंने कैटेगरी ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल, हमें देखो सब क्या लिख देता हूँ ध्यान दीजिएगा। पहले अपन ऑर्नामेंटल पे हैं बिल्कुल, ऑर्नामेंटल पे हैं, तो देखो मैं आपको सोलेनेसी का ऑर्नामेंटल प्लांट बताता हूँ और आपसे सोलेनेसी के पूछे हैं क्लियर। दो सोलेनेसी के जो ऑर्नामेंटल यहाँ पर प्लांट है वो आप समझ सकते हो कि पिटूनिया है बिल्कुल, क्या भी पिटूनिया, तो सोलेनेसी का जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है वो पिटूनिया होता है, पिटूनिया
ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि जो लिलियसी फैमिली है तो लिलियसी के जो ऑर्नामेंटल प्लांट है सजावटी पादप काम में आ सकते हैं। तो लिलियसी के सजावटी पादप आपका ट्यूलिप और ग्लोरियसा, बिल्कुल ट्यूलिप और ग्लोरियसा। तो देखिएगा कि ट्यूलिप और ग्लोरियसा, बिल्कुल तो ये आप समझ सकते हैं बेटा कि ग्लोरियसा और ट्यूलिप, बिल्कुल ये आपके हो गए किसके, लिलियसी के। हाँ। फिर आप जानते हो कि फाबेसी, तो फाबेसी का ल्यूपिन जो है, ल्यूपिन है या स्वीट पी, मीठी मटर पे ल्यूपिन, तो ये ल्यूपिन किसका हो गया, फाबेसी का। बिल्कुल तो ये तो आपके हो गए ऑर्नामेंटल। अब अपन आते हैं मेडिकल प्लांट पे, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ सोलनेसी की बात करेंगे तो जो अश्वगंधा होगा, अश्वगंधा या धथुर, जो अश्वगंधा स्पेशली, वो आप जानते हैं कि अश्वगंधा अश्वगंधा सोलनेसी का आपका मेडिकल प्लांट होगा। ऐसे देखो कि लिलियसी, तो लिलियसी का जो मेडिकल प्लांट आपका होगा वो आपका होगा मतलब एलोवेरा, एलो जानते ना गौर पाठा, और आप जानते हैं कि ऐसे ही आप जानते हो फाबेसी, फाबेसी का जो मेडिकल प्लांट होगा मुलेठी, मुलेठी ये क्वेश्चन कई बार आ गया, मुलेठी, तो आप जानते हैं कि मुलेठी आपकी होगी, बिल्कुल सही। अब आपसे पूछा यहाँ पे कि भाई बताइए यहाँ सोलनेसी के कितने साल के फैमिली सोलनेसी पूछ ली, बिल्कुल। वैसे देखो कि यहाँ पर अगर ऐसे पूछता ओनली ऑर्नामेंटल प्लांट पूछता तो ट्यूलिप हो जाता, पिटूनिया हो जाता, ग्लोरियसा हो जाता, ल्यूपिन हो जाता, बेलाडोना नहीं होता, क्योंकि बेलाडोना और अश्वगंधा, ये जो बेलाडोना और अश्वगंधा है ये आप जानते हैं मेडिकल प्लांट है, सोलनेसी के बेलाडोना अश्वगंधा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ओनली पिटूनिया, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड, यस क्लियर, क्योंकि सोलनेसी का आपका ऑर्नामेंटल प्लांट पूछा, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई, निम्न में से कौन सा पादप नीला रंजक बिल्कुल प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है, इसका आंसर इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा। और ये इंडिगोफेरा किससे रिलेटेड है, फाबेसी फैमिली, फाबेसी फाबेसी फैमिली का मेंबर है, बिल्कुल सही, फाबेसी फैमिली का है, जो लेग्यूनोसी का आपका सब फैमिली आपकी पैप्लेनेसी या फाबेसी, क्लियर। और यहाँ देखिएगा कि ये तो ट्राइफोलियम तो लिलियसी रिलेटेड है, ये भी फाबेसी से, लेकिन डाई नहीं है, बिल्कुल, और केस आप समझ सकते हो ही नहीं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए फ्लावर, दीज इंफॉर्मेशन आर, पुष्पीय आरेख एक पुष्प के बारे में सूचना प्रदान करता है, सूचना है पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस, यस, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लोरल वॉल, ओके, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल, representation of cohesion and adhesion of floral wall, relation of floral wall with one another, yeah, बिल्कुल सही है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो floral diagram है वो इन सबको explain easily करता है। तो ध्यान दीजिए बड़ा, अपन पहले कह दिया कि भी जो floral diagram है, floral diagram वो only position of ovary कि वो superior है कि inferior है, जैसे अपन ये लगाते नहीं superior ovary, बिल्कुल, ये half inferior और ये inferior ovary, बिल्कुल, तो floral diagram only position of ovary को इसको show नहीं करता है, बिल्कुल, बस position of ovary, ovary को show नहीं करता, सही, इसको floral formula show करता है, हाँ, और floral formula estivation placentation को नहीं बताता, जबकि floral diagram अच्छे से आपको estivation और placentation clear करता है, करता है, तो complete description के लिए दोनों essential है, दोनों अनिवार्य है, अनिवार्य, लेकिन अब यहाँ से पूछा है कि floral diagram किन किन चीजों को show करता है, तो position of mother axis जो dot होता है, बिल्कुल, clear, number और पार्ट ऑफ फ्लोर वॉल, बिल्कुल, जैसे आप लिखते हो ना के सी सी ए जी कंप्लीट फ्लोर में, बिल्कुल, तो आप लिखते हो जैसे के फाइव, हाँ हाँ, तो ये पॉलीसिपेलस है ना, और फाइव है, ऐसे लगाते हो तो ये गैमोसिपेलस हो गया, ये आप सी का नंबर, ए का नंबर देते हैं, बिल्कुल, है ना, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल वो भी करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोहेजन एंड एडेशन, तो ध्यान दीजिएगा जैसे मान लो कि मोनोडेल्फस कंडीशन है कोहेजन, स्टेमन के फिलामेंट एक बंडल बना रहे हैं मालवीसी में, ये लो मोनोडेल्फस हो गया, इनफाइनाइट और मोनोडेल्फस, एडेशन, एडेशन में आपको दो कंडीशन है, एपिपिटेलस, जैसे आप जानते हैं कि एपिपिटेलस कंडीशन होगी, जैसे एपिफाइलस, तो ये आप जानते हैं कि एपिफाइलस कंडीशन होगी, सही, तो वो एडेशन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों चीजों क्लियर कर दिया। आप देखो रिलेशन ऑफ फ्लोरल वॉल विद वन अनदर, यानी वो हो गया एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, तो ये पांचों की पांच बात आपका क्लियर करता है, आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली इंक्लूड कुलो का जो अर्ध तकनीकी विवरण किसको सम्मिलित करता है, डिफाइनेड सीक्वेंस, बिल्कुल अपन यहां कह सकते हैं कि साहब पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, एंड साइंटिफिक टर्म्स, ये सब साइंटिफिक टर्म्स ही है, तो बिल्कुल यहां पे सही है, रैंडम डिस्क्रिप्शन यहां पे होगा नहीं, जनरल टर्म ये है नहीं,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। भाई जो सिंबल्स की बात करेंगे अपन, सेमी टेक्निकल वो आपको साइंटिफिक लैंग्वेज बोला गया, सिंबल्स की अपन बात करें बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा कि बेटा देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ब्रैकेट है तो BR, ब्रैकेट एब्सेंट है तो EBR बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये, जायगोमॉर्फिक है तो ये बिल्कुल, जैसे आपको पता है बेटा कि बाइसेक्सुअल है तो ये आपका, यूनिसेक्सुअल है तो इसमें से और इसमें से कोई एक होगा, क्लियर। और फिर आप जानते हो कि KCAG, अब आप जानते हो कि ऐसे है जैसे के नंबर ऑफ सेपल N और ये गैमोसेपल्स और ये आप जानते हो पॉलीसेपल्स, ये गैमोपेटलस ये पॉलीपेटलस ये आप समझ सकते हो, तो ऐसे आपकी सारी कंडीशंस हो जाती हैं बिल्कुल, क्लियर। तो बेटा बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया मॉर्फोलॉजी को, और मॉर्फोलॉजी को और ज्यादा सीक्वेंस में एनसीईआरटी पढ़ें, कंसेप्ट पढ़ें, एक एक लाइन पे आप ध्यान दें और पूरे क्वेश्चंस के साथ में आप मॉर्फोलॉजी क्लियर करें, पहले वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, देयर मॉडिफिकेशन, प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट आप बात करते हैं इन्फ्लोरेंस की, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, रेसिमोस साइमोस में जो मेन डिफरेंस होता है, उसके पश्चात आप बात करें बेटा कि फ्लावर, फ्लावर में कैलिक्स है तो सेपल का अरेंजमेंट क्या है, फंक्शन क्या है, एस्टिवेशन पेटल, फिर एस्टिवेशन के टाइप बहुत अच्छे से आपको करना है। फिर आप समझ सकते हो कि जो एंड्रोसियम है स्टेमन, तो वहाँ जो एडल्पस यानी कोहेजन में एडल्फी होती है बिल्कुल, फिर आप सिन जेनेसिस, सिन एंड्रस जो कंडीशंस होती हैं, फिर आप देखते हैं कि भाई एडेशन में जो एपिपिटलस है, एपिफाइलस है, और जो स्टेमन के फिलामेंट की वेरिएबल लेंथ है, टेट्राडाइनेमस, डाइडाइनेमस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बिल्कुल AAPMD 2016 में आता, हर किसी का सही नहीं हुआ था। फिर आप बात करते हैं कि अपन आगे आपसे बात करते हैं गाइनोसियम, कार्पल, तो मल्टी कार्पलरी है, अब सिन कार्पस है या एपोकार्पस कंडीशन है, प्लेसेंटेशन की कंडीशंस को बहुत अच्छे से करना, फैमिली पूरी प्लेसेंटेशन की कंडीशंस भी आपकी हैं। उसके पश्चात आप बात करते हैं है, फ्रूट है, सीड है, फ्रूट है, सीड में एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक जो भी पार्ट्स है सारी बातें, मोनोकोट, डायकोट के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, फ्रूट के टाइप है। उसके पश्चात आप जानते हैं कि फ्रूट, तो फ्रूट को बहुत अच्छे से बेटा बिल्कुल कि फ्रूट कैसे फॉर्म हुआ, ओवरी, फर्टिलाइज ओवरी से, पेरिकार्प। फिर आप जानते हो कि पहले ये कंसेप्ट पढ़े कि यूकार्पिक फ्रूट क्या होता है, ओनली ओवरी, और स्यूडोकार्पिक क्या होता है, फिर कंसेप्ट में आएगी थ्री टाइप के, सिंपल, कम वो सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट। फिर आप जानते हैं फिर वो कि सिंपल में फ्लैसी, ड्राई, वहाँ भी कई टाइप आपके हैं। और फिर आप जानते हैं फ्रूट का, हर फ्रूट का एडिबल पार्ट क्या है, जो एनसीईआरटी में उनको बहुत अच्छे से क्लियर आपको करना है। और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला को एक एक से आपको सारी लैंग्वेज, सारा डिस्क्रिप्शन आपको शो करना है। तो इसी के साथ बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने प्लांट एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। थैंक यू। और प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम शुरू करेंगे सबसे पहले जो टिश्यू है उसकी हम बात करेंगे, तो आप मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप याद करके आए, पढ़ के रखें या अच्छे से पढ़ के आए। यस बेटा, थैंक यू।